हेलो एवरीवन, एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एक्सरसाइज 13.2। चैप्टर तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, 13.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ग्राफ शोज टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। ये देखिए, ये आपको ग्राफ दिया है अपनी बुक में, बहुत क्लोजली इसको, माइन्यूटली इसको देखिए। ये है ओरिजिन, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो ये है 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1 PM, 2 PM, 3 PM, और ये टेम्परेचर है पेशेंट का डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आपने बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 2 PM एंड 3 PM। ये देखिए 2 PM, हेयर इट इज़ 2 PM, 2 PM पे जाके देखो कितना टेम्परेचर है, ये यहाँ। अब इसको यहाँ से सामने देखो, दिस इज़ 101 degree Fahrenheit, एंड 3 PM ये कितना है, 99 पे जा रहा है, तो 99 degree Fahrenheit। और सेकेंड है व्हेन वाज़ द पेशेंट्स टेम्परेचर 100 कब था पेशेंट का टेम्परेचर, ये देखिए 100 यहाँ पे भी है, 100 ये भी है, दो पॉइंट्स पे है, तो दिस इज़ 12 noon एंड 1 PM। ये हो गया, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं, बस ये आप पहले इसको समझ लीजिए। ऑन विच टू टाइम्स द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम, ये देखिए यही दो हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर 100 and 100 सेम था, बाकियों में डिफरेंस है, तो दिस इज़ 12 noon एंड 1 PM। अब देखिए इसके आंसर्स को आपने कैसे लिखना है। फर्स्ट था एट 2 PM कितना टेम्परेचर है, तो आपने लिखना एट 2 PM 101 degree Fahrenheit, एट 3 PM 99 degree Fahrenheit। फिर सेकेंड पार्ट था व्हेन द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 100 degree, दैट इज़ एट 12 noon एंड 1 PM। और थर्ड पार्ट था कि किस टाइम पे सेम है, दैट इज़ ऑल्सो एट 12 noon एंड 1 PM। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी है, उसने एक साल में अलग अलग ईयर्स में कितनी कितनी सेल की है, वो यहाँ इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट वाज द सेल इन 2010। ये देखिए यहाँ पे, ये है 2009, 2010, 2011, 12, 2013, 14, 15 एंड 16 तक दिया हुआ है। आपको पूछा गया है 2010 की सेल, ये है 2010 सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला बहुत छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, दिस इज़ 2009, दिस इज़ 9, दिस इज़ 10। तो ये कितना है, ये इसके सामने देखिए कहाँ जा रहा है, ये 2 पे, तो 2 नहीं है, सेल्स इन करोड़्स लिखा हुआ है, यानी कि 2 crores। तो 2010 में कितनी सेल है, 2 crores, 11 में कितनी है, नेक्स्ट उसका देखिए 3 crores, 14 में ये है 14, इट इज़ अगेन 3 crores, एंड 16 में दिस इज़ 6 crores। तो लिखने का तरीका देखिए, सेल्स इन 2010 वो है 2 crore, 11 में है 3 crore, 14 में है 3 crore, एंड 16 में है 6 crore, इस तरह से आपने लिखना है। सेकेंड पार्ट इज़ कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2015 एंड 2013। 2015 में देखिए कितनी सेल है, ये है 2015 और ये पॉइंट है 4 और 5 के बीच में है, दिस इज़ 4.5 crores, तो सेल इन 2015 इट इज़ 4.5 crores। इसी तरह से सेल इन 2013 दैट इज़ 3.5 crores, ये भी आप ग्राफ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये 13 है और ये 3 और 4 के बीच में है, सेंटर में 3.5 आएगा, तो डिफरेंस इनको आपने माइनस किया, 1 crore डिफरेंस आ गया। और लास्ट वन है वेदर द सेल वॉज सेम इन एवरी ईयर, क्या हर साल सेल सेम है, नो, हर साल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सो द आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन साइकल्स डाउन फ्रॉम ए टाउन टू अ नेबरिंग एरिया टू डिलीवर पैकेट टू ए मर्चेंट, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द ग्राफ। अलग अलग टाइम पे वो अपने टाउन से कितना दूर था ये बताया हुआ है, ये ग्राफ है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड टाइम। व्हाट वाज इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ, इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, टोटल टाइम कितना लिया हुआ उसने, देखिए यहाँ स्टार्ट किया उसने 8 AM, 9, 10, 11 एंड 12, 12 नून तक, तो 8 से 12 4 आवर्स उसने लिए, तो इसका आंसर कितना है, 4 आवर्स, ठीक है।
हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, ये देखिए यहाँ लास्ट में पहुँच रहा है 20, तो ये 20 है, तो टोटल डिस्टेंस उसका उसके घर से वो टाउन से जहाँ उसने जाना है वो कितना डिस्टेंस है, इट इज़ 20 किलोमीटर्स. डिड द पर्सन स्टॉप ट्रैवलिंग ऑन हिज वे, क्या उसने इस ट्रैवल के दौरान कहीं रुक के भी देखा है, येस. देखिए ये 10 पे जो है तब भी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 10:30 तक आते आते तब भी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है. इसका मतलब वो 10 AM से 10:30 AM तक रुका रहा. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए, येस ही स्टॉप्ड एट 10 AM. कैसे पता चला आपको, बिकॉज ग्राफ एट 10 AM एंड 10:30 AM इज एट सेम डिस्टेंस. ग्राफ में 10 और 10:30 पे सेम डिस्टेंस दिखाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे ना एक करेक्शन है. द ग्राफ शोज द रन्स स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन 10 मैचेस ड्यूरिंग द ईयर 2016. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर. ग्राफ है, ये मैचेस हैं, ये सेल्स नहीं है, यहाँ होगा रन्स. तो यहाँ आप इसको करेक्ट करेंगे, दीज आर द रन्स स्कोर्ड बाय द डिफरेंट बैट्समैन. दो बैट्समैन का एक ही ग्राफ पे दिखाया हुआ है स्कोर. तो जो ब्लू कलर है वो बैट्समैन ए के लिए है और रेड कलर बैट्समैन बी के लिए है, ये यहाँ पे शो किया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर बैट्समैन बी स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स इन एनी मैच. बी के लिए है रेड कलर, तो रेड कलर पे कंसंट्रेट कीजिए. क्या मोर देन 100 उसका कभी स्कोर रहा है, ये देखिए ये 110 पे आ रहा है, ये कब आ रहा है, कौन सा टाइम है ये, सेकेंड मैच में. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, येस इन सेकेंड मैच ही स्कोर्ड 110 रन्स, उसने 110 रन्स यहाँ स्कोर किए. नेक्स्ट है, वेदर इन एनी मैच बैट्समैन ए एंड बी स्कोर्ड सेम रन्स. क्या कोई ऐसा मैच था जिसमें ए और बी बैट्समैन दोनों का, यानी कि ब्लू और रेड दोनों का सेम स्कोर है, तो ये देखिए यहाँ पे आके 30 रन्स एंड सेवेंथ मैच में ये दोनों सेम एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं. तो आप लिखेंगे येस इन सेवेंथ मैच दे स्कोर्ड सेम रन्स, 30-30 रन्स उन्होंने सेम स्कोर किए. अमंग द टू बैट्समैन हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कौन, किसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है, अभी कभी बहुत ज़्यादा रन स्कोर किसी में, किसी मैच में बिल्कुल निल, ऐसा कौन नहीं है. तो बैट्समैन ए जो है वो देखिए उसका कभी भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, जीरो पे कभी नहीं गया. तो आपको कैसे पता चला, ये हमने ग्राफ देख के जज किया. तो आप क्या लिखेंगे, बैट्समैन ए इज़ मोर कंसिस्टेंट बिकॉज हिज ग्राफ इज़ शोइंग लेस कर्व्स, उसका ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट है, उसमें कम कर्व्स हैं और ज़ीरो तो उसने बिल्कुल टच नहीं किया. सो बैट्समैन ए इज़ द राइट आंसर फॉर थर्ड. फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये ग्राफ है जिसमें एक्चुअल जो है एक्चुअल टेम्परेचर ब्लू कलर से है और फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट होता है ना, अभी कल इतना टेम्परेचर रहेगा या बारिश होगी या कैसा होगा, तो वो रेड कलर से दिखाया हुआ है. तो आपने बताना है, आंसर देना है, ये डेज हैं और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है. ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर इज सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर. देखिए तीन पॉइंट्स पे सेम आ रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ. सो दिस इज ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे. ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे को फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो सेम रहा. वट वॉज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल में ब्लू कलर है तो ये देखिए मैक्सिमम जो जहाँ ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस. On which day the actual temperature differ from the most from the forecast temperature. ऐसा कौन सा दिन है जिसमें actual और forecasted temperature में बहुत लंबा distance है, बहुत ज़्यादा distance है, difference है, sorry distance नहीं difference है, तो वो कौन सा है, that is Saturday. देखिए ये actual है और ये forecast है, तो सबसे ज़्यादा difference यहाँ आ रहा है, so it is Saturday. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेम्परेचर टाइम ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपके पास ग्राफ है, आपकी बुक में बना हुआ है, इसको देख के आपने यहाँ आंसर देने हैं. ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मैक्सिमम, कौन से टाइम पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ये सबसे ज़्यादा. टाइम कितना है यहाँ पे, ये देखिए इट इज़ 12 आवर्स. ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मिनिमम, कौन से टाइम पे टेम्परेचर मिनिमम है, देखिए ये
दोनों एक जैसा कम टेम्परेचर है, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 20, 6 एंड 20 आवर्स, डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट 103 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर कौन से टाइम पे है, ये ग्राफ को देखिए, 103 कौन से ये टाइम कौन सा है, ये देखिए ये यहाँ, अब आप यहाँ से नीचे जाइए, इट इज़ 10 आवर्स, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, 10 आवर्स. What is the difference of the temperature in 6 hours and 20 hours? देखिए 6 hours में भी 98 है और 20 hours पे भी 98 है, तो जब difference करेंगे तो 0 आ जाएगा. So this A is the right option, 0 आ रहा answer उसका. What is the rise in temperature from 10 hours to 12 hours? ये देखो यहाँ, ये 10 hours है, ये 12 hours है. 10 hours पे है 103, 12 hours पे है 104, तो 1 degree Fahrenheit का difference आ रहा है. A is the right option. This is all about this exercise 13.2 students. I hope you have got it. It is quite easy. Bas aapko graph pe dhyan dena hai. Let us conclude it here. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.